ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2 में आज का सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ए मेजर ध्यानचंद, बी धनराज पिल्ले, सी मनप्रीत सिंह या डी दिवेक प्रसाद। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर लोजपा जिलाध्यक्ष ने 56 लोगों को लोजपा की दिलाई सदस्यता। भागलपुर के खरमचक में लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अमर कुशवाहा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष धनंजय यादव, महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता तिवारी व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा की उपस्थिति में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बैनर तले 50 व्यक्तियों ने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता अभियान के बारे में बताते हुए डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि लोगों में चिराग पासवान की तरफ झुकाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में यह शुरुआत हुई है। बिहार को बेहतर बनाने के लिए लोग धीरे धीरे जिले के अन्य हिस्से से भी इस अभियान में शामिल होंगे। गया था सदस्यता ग्रहण। आज सभी लोग सैकड़ों कार्यकर्ता आज लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से प्रेरित होकर सभी लोग आज अपनी पार्टी में आस्था व्यक्त किए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी में वो जो है ज्वाइन किए। कितने लोगों ने? लगभग हमको लगता है कि आज 56 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। उद्देश्य क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी को आगे ले जाना उद्देश्य, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कार्यकर्ता बने। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी किससे लोग सभी लोग प्रेरित होकर सभी लोग कार्यकर्ता बन रहे हैं, सभी लोग पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम आया है? देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी से भागलपुर के युवा और व्यवसाय मिलाकर लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली और पार्टी की सदस्यता में ज़्यादातर नौजवान और युवा साथी। ये अपने आप में स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं नौजवानों का, युवाओं का रुझान और झुकाव चिराग पासवान जी की तरफ और बिहारी फर्स्ट विजन की तरफ है। जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करेगा सीएनजीएन। कोरोना महामारी में जिस प्रकार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता से जूझना पड़ रहा है, इसको देखते हुए संस्था क्लीन नौगछिया ग्रीन नौगछिया द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। किसी मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होने पर संस्था ने अधिकृत रूप से अपने सदस्यों के मोबाइल नंबर को सार्वजनिक किया है, जिसमें श्रीधर कुमार 9386253706, चंद्रगुप्त साह 7050861155, अशोक केडिया 9470479808, राजीव कुमार 7493961, विक्रम भुडोलिया 8789448913 एवं संतोष गुप्ता 7045099966 हैं। नवगछिया में कोरोना से संक्रमित होने वाले का आंकड़ा 600 के पार। नवगछिया अनुमंडल में कोरोना कोविड-19 से संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा 600 को पार कर गया है। अब यह बीमारी सघन आबादी क्षेत्र में ही नहीं वरन सुदूर गांव में भी बड़ी तेजी से अपना पांव पसार रहा है। नवगछिया में अब तक 4 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि नवगछिया में रिकवरी रेट 75% से भी ज्यादा है। वर्तमान में पूरे अनुमंडल में 100 से अधिक एक्टिव केस हैं, लेकिन किसी की स्थिति गंभीर नहीं है। कुछ संक्रमित लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जिसका इलाज किया जा रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। बताते चलें कि नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में 10,000 से अधिक लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। विभिन्न अस्पतालों से सूचना मिली है कि लोग अस्पतालों तक जांच कराने नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में हो रहे कोरोना टेस्ट में अब तक किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने का मामला उजागर नहीं हुआ है। अस्पताल में काम करने वाले एक
टेक्नीशियन ने बताया कि हर रोज स्वास्थ्य विभाग तय करता है कि आज कितने रोगियों की जांच की जानी है, लेकिन अक्सर दिन इतने लोग अस्पताल में जांच करवाने नहीं आते हैं, जिससे सप्ताह में 4 से 5 दिन टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। नवगछिया में 2 पॉजिटिव। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में गुरुवार को 26 लोगों की जांच की गई, जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि जगतपुर पंचायत में लगे कैंप में 76 लोगों की जांच हुई है, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीज को कोविड सेंटर लाने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं इस्माइलपुर में कुल 121 लोगों की जांच की गई, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रंगरा के सधवा में 10 कोरोना पॉजिटिव। रंगरा के सदवा में रैपिड जांच में 10 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि ये सभी संक्रमित व्यक्ति सदवा के ही रहने वाले हैं। सभी संक्रमित व्यक्तियों को अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोपालपुर के सैदपुर को किया गया सील, 83 में मिले 2 कोरोना संक्रमित। गुरुवार की दोपहर को सैदपुर गाँव को प्रशासनिक अधिकारी के निर्देश पर सील कर दिया गया है। सैदपुर दुर्गा स्थान के आगे PWD मुख्य सड़क पर और गोपालपुर थाने के आगे बैरियर लगाया गया, तथा सुकटिया बाजार जाने वाली सड़क पर सैदपुर के हाथी चौक पर बैरियर लगाकर सैदपुर को सील किया गया है। बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग संक्रमित पाए गए थे। PSC गोपालपुर द्वारा मध्य विद्यालय 83 में 100 लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जिसमें 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। इस्माइलपुर में बाढ़ की स्थिति भयावह, बाढ़ के पानी से घिरा दर्जनों गांव, नाव ही आवागमन का एकमात्र सहारा। गंगा नदी के खतरे के निशान को पार करते ही इस्माइलपुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद जहां इस्माइलपुर प्रखंड के अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है, तो दर्जनों गांव पूरी तरह से घिर जाने से आवागमन भी बाधित हो गया है। निचले इलाके में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश भी कर गया है। इसके अलावा प्रखंड के कमलाकुंड उच्च विद्यालय सहित अन्य विद्यालय में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इस्माइलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर गया है, जिसके कारण स्थिति और भी भयावह हो गई है। प्रखंड के कमलाकुंड से होकर जाने वाली मुख्य सड़क के ऊपर भी बाढ़ का पानी बह रहा है। इसके अलावा चंडी स्थान से केलाबाड़ी, चांदनी चौक से मालपुर, चंडी स्थान से इस्माइलपुर, महंत टोला से वेदी राय टोला जाने वाली सड़क पर कहीं 3 फीट तो कहीं 4 फीट पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे इन गाँव के लोगों को आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। नवगछिया, इस्माइलपुर बिनटोली में गंगा नदी लाल निशान के पार, दहशत में ग्रामीण। इस्माइलपुर बिनटोली में पुनः गंगा नदी लाल निशान को पार कर तबाही मचाने को तैयार दिख रही है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी खतरे के निशान 31.60 को पार कर 31.64 मीटर पर बह रही है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर तटवर्ती गांव के लोगों की धड़कनें तेज होने लगी है। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होने की बात विभागीय अधिकारियों द्वारा बताई जा रही है। नवगछिया में मास्क चेकिंग अभियान में 89 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 89 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 4450 रुपया जुर्माना वसूल किया गया है। इस अभियान में 2 वाहन से 5000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। शनिवार तक विभाग निर्बाध बिजली की आपूर्ति तय करे, नहीं तो होगा पुतला दहन। नवगछिया नगर सहित सभी प्रखंड में बिजली की आंख मिचौली से लोग हकलान हैं। बिजली की स्थिति इन दिनों इतनी बदतर है कि मुश्किल से बिजली 8 से 10 घंटे ही मिलती है। राजद की ओर से जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में जहां आम जनजीवन परेशान है और लोग इस महामारी से बचने के लिए अपने घरों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद हैं, ऐसी परिस्थिति में बिजली आपूर्ति ठीक नहीं होने के कारण लोग कोरोना के साथ साथ गर्मी से परेशान हैं। विभाग द्वारा बिना सूचना के किसी भी समय शहर सहित सभी प्रखंड की बिजली गुल कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। खरीक में नए CO का स्वागत और पूर्व CO को दी गई विदाई। खरीक प्रखंड मुख्यालय के सिल्क भवन में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन कर नए CO निशांत कुमार का स्वागत किया गया और पूर्व CO विनय शंकर पंडा को भावभीनी विदाई दी गई।
सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए खरीक अंचल के वर्तमान अंचलाधिकारी निशांत कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। पूर्व सीओ विनय शंकर पंडा ने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारी नियम और कायदे से बंधे होते हैं और एक निश्चित दायरे में काम करना होता है, इसके लिए आम लोगों का सहयोग जरूरी है। तेज हवा और बारिश से केले की खेती को भारी नुकसान। कोरोना की मार झेल रहे केला किसान की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तेज हवा और मूसलाधार बारिश खरीक प्रखंड के केला किसानों को भारी नुकसान दे रहा है। कई खेतों में 25% से 40% फसल बर्बाद हो गए हैं। ऐसे ही कोरोना की मार झेल रहे केला उत्पादक किसानों को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 350 रुपए प्रति खानी की दर से बिकने वाले केले का खानी महज 70 रुपए में बिक रहा है। किसानों से व्यापारी अब औने पौने भाव में केले की खानी खरीद रहे हैं। केला खेती का लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। केले की खरीद के लिए व्यापारी नहीं मिल रहा है। बड़ी मशक्कत से कई किसान अपने खेतों को खाली करने में लगे हुए हैं। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए में ले निशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8228-95-69-05, 8873-97-3680 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। ढोलबजा 5 लीटर देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। ढोलबजा के कदुआ ओपी थाने की पुलिस ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को 5 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक चौसा थाना क्षेत्र के लवा लगाव बिंदटोली गांव निवासी मानेश्वर मंडल के पुत्र गुरु मंडल है, जो कोपरिया गांव से शराब लेकर नाव पर कोसी नदी पार कर बुधनी घाट उतर रहे थे, जहां से गिरफ्तार कर लिया गया। विजयलालगंज के कोशी नदी में डूबने से युवक की मौत। पूर्णिया जिले के रूपौली प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र के विजयलालगंज गांव में एक युवक की जान कोसी नदी में डूबने से चली गई। मृतक की पहचान कार्यमंडल के पुत्र सोती मंडल के रूप में हुई है। परिजन ने बताया कि सोती हर रोज की तरह मंगलवार को भी अपने बासा पर मवेशियों को चारा पानी देने गया था, जिससे कोसी नदी में डूबने से जान चली गई। सुबह जब ग्रामीणों की नजर कोसी धार में तैरते हुए सब पर पड़ी तो स्थानीय लोगों की मदद से सब नदी को बाहर निकाला गया। नारायणपुर, वीडियो ने किया निरीक्षण। नारायणपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय गनौन में वीडियो हरिमोहन कुमार, सीओ रामजपी पासवान ने मुखिया प्रतिनिधि प्रीतम मिश्रा के साथ बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए निरीक्षण किया। अधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि बाढ़ से पंचायत के गंगा किनारे के लोग प्रभावित होते हैं तो इस विद्यालय में सामुदायिक रसोई बनाया जाएगा। नारायणपुर, वीडियो ने मुखिया के साथ की बैठक। प्रखंड मुख्यालय के शिल्प प्रशिक्षण भवन नारायणपुर में गुरुवार को वीडियो हरिमोहन कुमार ने सभी मुखिया, पंचायत सचिव सहित सभी प्रखंड कर्मी के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, परिवहन योजना, 7 निश्चय योजना सहित कई योजना पर चर्चा किया। ढोलबज्जा के चौक चौराहे पर घूम रहे कोरोना संक्रमित लोग, मुखिया व थानेदार ने मिल संक्रमित लोगों को किया होम क्वारंटाइन, बाजार की दुकानें कराई बंद। ढोलबज्जा बाजार में इन दिनों कोरोना संक्रमित रोगियों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन वहां के बाजारवासी व संक्रमित लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। बाजार की सभी दुकानें खुली रहती है, वहीं कोरोना के रोगी भी खुद दुकान पर बैठकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। कोई बिना किसी परवाह किए बेफिक्र चौक चौराहा पर घूम फिर रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों में संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है। ढोलबज्जा के अखबार विक्रेता विकास रजक व सुनील कुमार ठाकुर बताते हैं कि कोरोना से संक्रमित 2 लोग गुरुवार के दिन सुभाष चौक पर करीब 2 घंटे तक घूमते रहा, तो वहीं बाजार के 2 कोरोना पॉजिटिव प्राइवेट डॉक्टर भी रोगियों को देख रहे हैं। ढोलबज्जा अस्पताल के सेवानिवृत्त लिपिक डॉक्टर उमा शंकर ने बताया कि अब तक ढोलबज्जा में करीब 17 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की पहचान हुई है, जिसमें 6 लोग पहले व 11 लोग मंगलवार को पॉजिटिव मिले हैं। 1-2 दिनों में इसकी संख्या और बढ़ने वाली है।
अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। दसवीं एवं बारहवीं के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीएमएलए निशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8228-95-69-05-88-73-97-36-80 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488-8569-88-9234-62-33-33।